दोस्तों स्वागत है आप सबका। एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में बात करेंगे इस वीडियो में RGHS योजना और शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। 27 अप्रैल का ये RGHS योजना को लेकर ये महत्वपूर्ण ऑर्डर कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के पालन में विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को नगद विहीन चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए 1 जुलाई 2021 से राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना का संचालन किया जा रहा है। प्राय यह देखने में आया कि लाभार्थी स्वयं को गलत सेवा की श्रेणी में पंजीकृत करके या स्वयं का कार्ड किसी अन्य को प्रयोग के लिए देकर परिवार के सदस्यों को नियम विरुद्ध आश्रित परिवार में दर्शाकर कार्ड में शामिल करके अनअधिकृत रूप से योजना का लाभ प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे राजकोष के दुरुपयोग की बात इंगित होती है। तो ऐसे प्रकरण सामने आ रहे हैं जिनमें पेंशनर पारिवारिक पेंशनर 1996 रूल के तहत नियम विरुद्ध योजना का लाभ प्राप्त किया जाता है। इसके संबंध में स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ मेडिकल कंसेशन टू स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर के लिए वित्त विभाग द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक 15/4/2021 के बिंदु संख्या 15 में लिखा गया है कि इनके सवेयर इट इज फाउंड दैट ए पेंशनर हैज अब्यूज्ड और मिसयूज्ड एनी ऑफ कंसेशन अलाउड अंडर द स्कीम ही शैल बी परमानेंटली डिबेरेड फ्रॉम अवेलिंग ऑफ द कंसेशन अंडर दिस स्कीम। अपील सेल ली अगेंस्ट इज ऑर्डर लाई अगेंस्ट इज ऑर्डर टू द कम्पिटेंट लेवल इन RGHS मैं संबंधित को योजना से पृथक किए जाने का प्रावधान है। साथ ही पेंशनर पारिवारिक पेंशनर 1996 के ऐसे प्रकरणों में लिप्त पाए जाते हैं तो परियोजना निदेशक राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के स्तर से संबंधित कार्ड निष्क्रिय करके योजना से पृथक कर दिया जाएगा। परियोजना निदेशक के निर्णय के विरुद्ध निदेशक राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग राजस्थान जयपुर को अपील की जा सकेगी। इसी प्रकार सेवारत राज्य कर्मचारी नियम विरुद्ध योजना का लाभ प्राप्त करने के प्रकरण में लिप्त पाए जाते हैं तो निदेशक राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत से कार्ड को निष्क्रिय करके संबंधित कार्मिक के नियुक्ता विभाग को राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के तहत कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। यानी RGHS योजना का कोई गलत लाभ ले रहे हैं उनके संबंध में ये ऑर्डर है, RGHS का महत्वपूर्ण ऑर्डर है। इसके साथ ही बात करेंगे शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स की। बात करें तो शिक्षा विभाग की कि मई जून में शिक्षकों के चलेंगे प्रशिक्षण कार्यक्रम। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल के अनुसार मई और जून में अधिकारी व शिक्षकों के आमुखीकरण व प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिसमें शिक्षकों को कार्य पुस्तिकाएँ पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को व्यवस्थागत रूप से ब्रिज कोर्स संचालन के प्रभावी निरीक्षण के लिए भी प्रशिक्षित किया जाएगा। तो आगामी छुट्टियों में यानी मई जून में शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी तय किया जा रहा है शिक्षा विभाग का, जिस प्रकार से बयान सामने आ रहा है। इसके साथ ही ये वर्कबुक लर्निंग लॉस वाले बच्चों के लिए वरदान साबित होगी। कक्षा 1 के लिए प्रथम, 2 के लिए पल्लव, कक्षा 3 के लिए पहल, कक्षा 4-5 के लिए प्रयास, 6-7 के लिए प्रवाह, कक्षा 8 के लिए प्रखर कार्य पुस्तिकाएं तैयार की गई है, जो विद्यार्थियों को कोरोना के पूर्व अधिगम स्तर पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये कहना है प्रियंका जोदावत, निदेशक RSCRT का। तो मई जून में शिक्षकों के प्रशिक्षण भी प्रस्तावित है। इसके साथ ही बात करें शिक्षा विभाग की तो राजस्थान प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2021-22 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जिले आवंटित कर दिए गए हैं। इनके नाम व नियुक्ति पदस्थापन हेतु शीघ्र जिला परिषदों को भी भेज दिए जाएंगे। जिला आवंटन का आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं, तो विभाग की वेबसाइट पर अभ्यर्थी अपने जो भी जिला आवंटित किया गया वो नाम देख सकते हैं विभाग की वेबसाइट पर। तो अध्यापक भर्ती के अंतर्गत अभ्यर्थियों को प्रारंभिक शिक्षा विभाग के द्वारा जिले आवंटित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही बात करें तो केंद्रीय विद्यालयों में जो है कक्षा 1 में दाखिले की न्यूनतम उम्र अब 6 साल बरकरार की गई। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की न्यूनतम उम्र तय करने के खिलाफ याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय विद्यालय में आगामी सत्र के लिए कक्षा 1 में दाखिले के लिए न्यूनतम उम्र 6 साल तय किए जाने के नियम के खिलाफ दायर याचिका बुधवार को खारिज कर दी। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज किया और आदेश दिया कि याचिका एक नाबालिग छात्र रियानिस रविंद्र सिपात के पिता ने दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 11 अप्रैल को अपने फैसले में केंद्रीय विद्यालय में आगामी सत्र के लिए कक्षा 1 में दाखिले के लिए न्यूनतम उम्र 6 साल तय किए जाने के नियम के खिलाफ दायर याचिका खारिज की थी। सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ कई याचिकाकर्ताओं ने डिवीजन बेंच का दरवाज़ा खटखटाया था। डिवीजन बेंच ने भी याचिकाकर्ताओं की याचिका खारिज कर दी थी। बात करें तो बीएड कॉलेजों की बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने के आदेश दिए गए हैं। बीएड कॉलेजों में कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की पालना में उठाया यह कदम। प्रदेश के बीएड कॉलेजों में छात्रों के नहीं आने पर सुविधा शुल्क लेकर उपस्थिति पूरी करने वाले कॉलेज अब सख्त कार्रवाई हो सकती है उन पर। शिक्षा निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की पालना में सभी कॉलेज में बायोमेट्रिक हाजिरी लागू करने के आदेश सख्त आदेश दे दिए हैं। छात्र नियमित रूप से वहाँ पहुँचेंगे। बीकानेर की महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने इस संबंध में सभी कॉलेज को सख्त आदेश दिए हैं। दरअसल बीएड कॉलेज में छात्र नहीं जाते हैं और वहाँ हाजिरी पूरी करने के लिए स्टूडेंट को शुल्क देना होता है, जिसकी कोई रसीद भी नहीं दी जाती। यहाँ तक कि उनके रजिस्टर भी फर्जी तरीके से पूरे किए जाते हैं। ऐसे में बीएड स्टूडेंट सही पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं और बाद में स्कूल में भी नहीं पढ़ा पाते हैं।
गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार विठल विसा ने बताया कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त सभी बीएड कॉलेज को स्टूडेंट की उपस्थिति बायोमेट्रिक स्तर पर लेनी होगी। ऐसा नहीं करने वाले कॉलेज पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल प्रदेश के दो सरकारी बीएड कॉलेज की अव्यवस्थाओं को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। इसी केस की सुनवाई के चलते सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि कॉलेज में बायोमेट्रिक हाजिरी होनी चाहिए। इसके बाद कई बार ऐसे आदेश जारी किए गए, लेकिन बीएड कॉलेज अपने पुराने तरीके से ही काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि कॉलेज की वेबसाइट पर भी उपस्थिति दिखाने के आदेश है, इसकी भी पालना नहीं की जाती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि कॉलेजों में बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने के आदेश दिए। कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में यह कदम उठाया। इसके साथ ही बात करें तो सरकारी मॉडल स्कूल में गर्मियों की छुट्टियों में भी लगेगी क्लासेस। सरकारी मॉडल स्कूलों की बात चल रही है तो सरकारी मॉडल स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों में लगेगी क्लासेस। अफसरों को करनी होगी मॉनिटरिंग। राज्य के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों में भी क्लास लगेगी। हालांकि यह क्लास जो होगी स्पेशल क्लास होगी, जिसमें स्पोकन इंग्लिश, ड्राइंग, म्यूजिक, कंप्यूटर आदि संबंधित होगी। लेकिन एक बात तय है, स्कूल खुले रहेंगे और बच्चों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा शिक्षा अधिकारियों की मॉनिटरिंग भी करनी होगी, ऐसे संकेत मिले हैं। संभावना है कि जल्द ही इसके बारे में आगे भी कदम बढ़ाए जा सकते हैं। इसके साथ ही बात करें तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से संबंध अधिकारियों को निर्देश दिए जाने की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। मॉडल स्कूलों में कार्यरत व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक को ऐसी क्लासेस का संचालन करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इसकी एवज में उपार्जित अवकाश यानी PL और अन्य लाभ भी दिए जा सकते हैं। इसके साथ स्कूलों में 17 मई से 30 जून तक का जो भी है अवकाश रहने की संभावना है। तो ये तमाम तरह की अपडेट थे आप सभी के लिए इस वीडियो में। शिक्षा जगत से जुड़े, थैंक यू।